उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर में हुई एक रेड प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा पड़ा तो घर में कबाड़ी के भाव से 500 के नोट मिले, इतने नोट जो शायद कुबेर के खजाने में भी ना हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने घर में छापेमारी की तो सोचा था कि करोड़ दो करोड़ रुपए मिलेंगे, रेट कुछ घंटे में खत्म हो जाएगी और मामला निपट जाएगा। लेकिन हालत ऐसी हुई कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी, ले जाने के लिए बक्से, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रकों का इंतजाम करना पड़ा। कानपुर के आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा। अब तक 160 करोड़ रुपए की संपत्ति पता चली है, संपत्ति कैश में है। घर की जमीन पर, घर की अलमारी पर, घर के सोफे पर 500 रुपए के नोट ऐसे पड़े हैं जैसे हमारे आपके घर में सोफे पर कुशन पड़ा हो। ये तस्वीरें, वीडियो, फोटो सब वायरल हो रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि अजय देवगन की एक पिक्चर याद आ गई है। सोना, पैसा, नगदी, कागज सब ऐसे तौला जा रहा है जैसे कबाड़ में रखा हो। कानपुर की इन तस्वीरों को शेयर करके बीजेपी के तमाम नेता ये लिख रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा था, काला धन, जिसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खर्च किया जाना था। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन पैसों की एक तस्वीर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि नोटबंदी की अपार सफलता तो यही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें यह कहा गया था कि इन पैसों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले इन पैसों की बरामदगी और इनकी तस्वीरें सारे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चुनाव आयोग के सामने इतनी बड़ी चुनौती है इस बात की कि प्रदेश में काले धन का उपयोग चुनाव में ना हो। लेकिन चुनाव की स्याह हकीकत क्या है सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर सत्ता पक्ष तक काले धन को चुनाव में कौन कितना रोक पाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। कुबेर के खजाने की तस्वीर देखकर गरीब अपना माथा पीट सकता है। जिस प्रदेश में औसतन आय कुछ हजार रुपए हो, एक व्यापारी के घर पर करोड़ों रुपए की नकदी मिलना सवाल खड़ा करता है।